नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि बिहार के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जो तो प्रमुख पर्यटन केंद्र की, प्रमुख पर्यटन केंद्र जो आपका प्रमुख पर्यटन केंद्र है वो कहाँ कहाँ है। तो गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ और पावापुरी कौन कौन से हैं। गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, और आपका बिहार शरीफ तथा पावापुरी। ये आपके क्या हैं, पर्यटन पर्यटन केंद्र हैं। अब बात करते हैं तो प्रमुख धार्मिक केंद्र, प्रमुख धार्मिक केंद्र तो अगर बात करें तो यह कहां कहां है। तो गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फिर उसके बाद फुलवारी शरीफ, उसके बाद आपका है तो मनेर, वैशाली आदि। तो ये हो गए प्रमुख धार्मिक केंद्र। बात करते हैं हम प्रमुख पर्व त्योहार। प्रमुख पर्व एवं त्योहार की बात करेंगे तो आइए देखते हैं ये कौन से हैं। दीपावली, छठ, होली, दशहरा, दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा, फिर आपका कौन सा है
तो महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, उसके बाद आपकी जो है तो ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर। क्रिसमस, ईस्टर। और आपका प्रमुख धर्म कौन कौन सा है, अगर उसकी चर्चा करें तो आइए देखते हैं प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं। अगर प्रमुख धर्म की बात करते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। हिंदू सबसे अधिक है, उसके बाद मुस्लिम है, फिर है ईसाई, फिर आपका सिख, फिर उसके बाद आपके हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, उसके बाद बौद्ध, जैन और अन्य। ये आपके क्या हो गए, प्रमुख धर्म। यहाँ जो है प्रमुख जो है लोग जो रहते हैं उनकी चर्चा हो गई। तो यह आपका आज का हो गया धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल। आज की क्लास यहीं तक।